कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी, मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारी लाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आपको तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है। हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे, जिनका कोई बच्चा नहीं है उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारी लाल ने तो कम से कम मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद कुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है उसको टिकट मिल जाता है, और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली, मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था, और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के रात को नाम आता कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। या तो आप सब लोग से कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, जिस पारा से आए वहीं जाके खेतीबाड़ी कर, मैं तैयार हूँ सब पंच पटेलों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत लड़े, नरेश राजनीति छोड़ दे, मैं बजरंग बली की कसम कर रहा हूँ, उस भक्त प्रहलाद की कसम कर रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा कर देगा। लेकिन मुरारी लाल जी सांसद बन जाएंगे, फिर ये बेटी बेटी है ये 200 से विधायक बन जाएगी। अरे मुरारी लाल जी, सविता भी सांसद का चुनाव लड़ ली, 5 चुनाव वो लड़ ली, आप MLA बन गए, अरे आप सांसद बन जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे जैसे बच्चों का क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मुरारी लाल जी आप फैसला करो, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा का टिकट वापिस हो गया था, आप चाहो तो आज भी